वाइट 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 गॉड स्ट्रिकेंसा थी ना, ओ गॉड वाइट, इसमें से कुछ देखती हूँ। वाइट कहाँ गया स्ट्रिकेंसा? एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि अगर तुलिका के कपड़े मैं धो दूं तो कैको एक्चुअली मिसेस ब्रिगेंजा तुलिका अभी बच्ची है और आपको उसके साथ इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। बच्ची? तुम उसको बच्चा बोलता? उसका एज में हम मिस से मिसेस बन गया था, मालूम तुमको? और वो जितना बच्चा दिखता है ना उतना बच्चा है नहीं। हमारा हाथ में होता ना तो अभी तक उसका मैरिज बना देता। She has to become responsible. लेकिन मिसेस ब्रिगेंजा हमारी तुलिका तो बहुत मैच्योर है और शादी के मामले में जितनी मैच्योरिटी की जरूरत होती है ना उतनी मैच्योर है वो। अच्छा, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज दिस मैन? दिस इज ब्रिगेंजा, मैंने सोच लिया है कि अब मैं और जुल्म नहीं करूंगी आप पे। मैं अपनी गलती का जुर्माना खुद भुगतूंगी। जो ना धो पाए आप मेरे कपड़े तो मैं ऐसे ही पत्तों में लिपटी रहूंगी। ये मैच्योरिटी है शादी के लायक? ये केले का पता लपेट के आ गया? नहीं, मिसेस ब्रिगेंजा, शादी के लिए ये केले के पत्तों से कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है? हमारी तुलिका मैच्योर है। लो ये देख लो, जॉली मैंसन में फंसे हैं सब प्यागे क्रॉस कनेक्शन में। सच में मैंने भी देखी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है।
कौन किससे प्यार करता है और कौन किससे कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन बिल्लो तो बबलू से प्यार करती है ना। लेकिन बबलू तो बबली है ना। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ओह लॉर्ड जीसस, कितना कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता। मिसेस ब्रिगांजा, जीसस थोड़ी बताएंगे, जानने के लिए खुद देखना होगा। किस दिन मेरा ब्याह होगा? 25 नवंबर किस दिन मेरा ब्याह होगा? वो तो हम देख लेगा, पर एक बात हमको बताओ, किस दिन तेरा ब्याह होगा? जिस दिन ये केले के कपड़े पहनना छोड़ देगी। नहीं, जिस दिन आप मेरे कपड़े धोना शुरू कर। थैंक गॉड पहुंच गए हम लोग यहाँ। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिस करते। वेट गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, मेरी कुछ बातें हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, मेरी कुछ शर्तें हैं, और अगर तुम दोनों मेरी शर्तें मानते हो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर। ओ बेबी, अभी शर्त सुन तो लो, कहीं मैंने तुमसे निकाह कबूल करवा लिया तो। ओ हेलो, कॉमेडी शो की प्रैक्टिस के लिए आई है या डांस की? कम ऑन शेफ, एक तो मैं एटमॉस्फेयर लाइट करने के लिए मैंने इतना अच्छा जोक मारा और तुम्हें हंसी भी नहीं आई। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना सड़ा हुआ है। आई थी पर मैंने ना उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। गौरी के पास, गौरी निकालो, तुम्हारे पास भी आई थी ना? हाँ, यस, एक निकाल ली। वो पिघल रही है थोड़ी। मेरी भी पिघल रही है। धीरे धीरे पिघलती है ना, तो धीरे धीरे। थोड़ी ज्यादा पिघल रही है। बस प्रैक्टिस कर। अच्छा तुम जो तुम्हारी शर्तें थी वो तो बताओ। मेरी ये शर्त है कि मैं आपसे अपनी कोई शर्त नहीं रखूंगी। बॉडीगार्ड, चलो अब रिहर्सल शुरू करते हैं। लेकिन रितेश तो एक्टर है। क्या लेकर आए हो भैया? इस टिफिन पर क्या लेकर आए हो? आलू मटर मैडम। झूठ कहे तो कहो। अरे आप सब कितने मूर्ख हैं? यहाँ मिर्जापुर में बैठकर ये आलू मटर खाकर इतने खुश हो रहे। अरे तुम सब क्या जानो कि मुंबई में पाव भाजी का स्वाद कैसा होता है? आप सब ना उस चिड़िये की तरह जो अपने अंडे को पूरी दुनिया समझती है। अपनी इस मालकिन की वजह से ना इस अंडे में फंसे हुए हैं। सत्य वचन कमला मैया, सत्य वचन।
भैया, कमला मैया हमेशा सत्य वचन ही कहती है, पर तुम्हारी इस मैडम को कौन समझाए? पता है, अरे हम दो घंटे से ना भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पर आपकी मांग क्या है मैडम? बहुत छोटी सी मांग है भैया, हम अपने पति का ट्रांसफर मुंबई में करवाना चाहते थे, अपने पति के साथ मुंबई में जुहू बीच पर ना पानी पूरी खाना चाहते थे। आप जिसे यहाँ पर गोलगप्पे कहती है ना, उस शुद्ध देशी चीज को ना मुंबई में पानी पूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी पूरी कहते। तो बजाइए इसी बात पर आपकी इस मैडम को ना पानी पूरी खाना पसंद नहीं है, आज इस वजह से ना कमला यहाँ पर अपने प्राण त्याग देगी। हे यमराज जी, हमारी बड़ी इच्छा थी कि जब आप हमारे प्राण लेने आए ना तो हम आपको मुंबई में मिले। सॉरी, हमारी वजह से ना आपको भी मुंबई दर्शन नसीब नहीं होगा, पर इन सब का कारण ना वो हम सब के पीछे बैठी हमारी मैडम जी है। झूठ कहे तो कहो, इस दुख के समय में ना बहन हमारे पास हरि का नाम गाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भैया, आपको इस हारमोनियम पे कोई भजन वजन गाना आता है या बस ऐसे ही? हारमोनियम भजन आता तभी तो मेरी परमानेंट नौकरी चली गई। परमानेंट नौकरी चली गई? भीख मांगने गई। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये तुम लोग डांस कर रहे थे? I tell you son, इस इवेंट का स्टैंडर्ड दिन पे दिन गिरता जा रहा है यार। प्लीज इग्नोर। हाय, आई एम संत। शिव, मुलिका और गौरी। वेल, यू गॉट अ ब्यूटीफुल कंपनी। गर्लफ्रेंड्स? नहीं, इवेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब तुम हमारे कॉम्पिटिटर्स हो? एक सेकेंड, रिहर्सल। हाय, माय नेम इज परी, उड़ने वाली नहीं, डांस करने वाली परी। हाय, आई एम शिव, भोलेनाथ वाला नहीं, इंसानों वाला। सुनो, तुम यहाँ ये नौटंकी करने आए हो या डांस कंपटीशन में आए हो? And you know something guys, पिछले 5 साल से इस इवेंट के स्टार्स हम रह चुके हैं और इस साल भी हम ही रहेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है ना तुझे अपने आप पे? जानता है इन दोनों को? जानता है तू इन दोनों को? पर कोई नहीं, जान जाएगा, इन्हें सारी डांस फॉर्म्स आते हैं, सालसा, भांगड़ा, हिप हॉप, बैले और सारे, ये तो इनके बाएं पैर का खेल है। अच्छा हाँ, क्या नाम बताया आपने? बहन जी। ओह, वेल, दैट वाज माय नेम फॉर यू। मिस बहन जी, आप सिर्फ बोलते ही रहोगे या कुछ डांस भी करके दिखाएंगे तुम्हारे चीते? हाँ हाँ, इन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलो शिव और गौरी, शुरू हो जाओ, दिखा दो इन्हें। हाँ, डांस तो अच्छा कर ही लेते हैं, लेकिन पहला मौका इनको देते हैं, देखते हैं ये कैसे डांस करते हैं, अदरवाइज इन लोगों को लगेगा कि हमने चीटिंग कर ली। करके दिखाओ डांस। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास 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 है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आओ मेरे जीतो, जाओ दिखा दो इनको। हाँ, इससे अच्छा तो कोई भी डांस कर सकता है, मैं तो ऑब्वियसली कर सकता हूँ, लेकिन इन कपड़ों में थोड़ा सा मैं चेंज करके आता हूँ। क्या? लेकिन कपड़े क्यों चेंज? आता हूँ ना चेंज करके, रुको। तुम्हारे पति का ट्रांसफर हो गया। क्या? अरे बहन, अरे भैया, सच्चाई की जीत हो गई, तो गाओ भजन नारायण नारायण हरि हरि। परफॉर्मेंस भी हो। ओ माय गॉड, तो बहुत भूख लगा होगा इतना डांस करके, है ना? अब भी गर्मा गर्म नूडल्स बना के ला रहा हूँ। आज टुमारो भी पिता इतना नाचा ना, भूख लगा होगा, पर कल से तुम वहां से भागी क्यों? मैं एक बार डांस के लिए मैरिज हो चुका हूँ, दोबारा नहीं होना चाहता। तो सब गलती तुम्हारी नहीं थी, इस बार तुम्हारी गलती है। कोई मुझे बताएगा कि तुम दोनों कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हो? तुझे बड़ा जानना है इसका सीक्रेट। और अगर तुम्हें डांस नहीं करना था तो तुमने माना क्यों? माना क्यों मतलब, तू जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रही थी उसका क्या? देख, ना मुझे पहले आता है, ना मुझे हिप हॉप आता है, मुझे सिर्फ एक डांस आता है, गणपति विसर्जन वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा? शिव, तुम अपनी प्रैक्टिस को है ना सीरियसली लो। और उनके सामने डांस करने को कहा था तो तुम तो रिहर्सल हॉल से ही भाग गए। देख, मैं इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, कोई स्ट्रीट डांस नहीं कर रहा जो सबके सामने नाचता रहूं। तुम्हें दुनिया के सामने ही तो नाचना है। दुनिया क्या, मैं तो तेरे सामने भी नहीं नाचूंगा। शिव, तुम्हारे डांस के साथ ना गौरी का भी डांस जुड़ा है। मैं मेरे पैरों से नाचता हूँ, गौरी अपने पैरों से नाचती, फिर गौरी का डांस मेरे डांस के साथ कैसे जुड़ा है? क्या हुआ माय चाइल्ड? कुछ नहीं। तुम्हारा फेस तुम्हारा दिल का साथ नहीं देता। तुम हंसने का कोशिश तो करता, पर दिल में खुशी नहीं तो फेस भी स्माइल की दर से आएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? शेयर विद मी। कुछ नहीं मिसेस ब्रिगेंजा, मैं ठीक हूँ। गौरी, लुक एट मी। अगर हमारा जगह तुम्हारा दादी होता तो अगर तुम्हारा वो फेवरेट मुर्जापुर वाला भाभी तुमसे पूछेगा तो क्या तुम उसको भी अपना प्रॉब्लम नहीं बताएगा? चलो बोलो। मिसेस ब्रिगेंजा, हमें ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ये इवेंट कैसे जीते। आजकल डांस के स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ गए और कोई भी सीरियस नहीं है। वी नीड टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। ये शिफ्ट
तू हमारी बात शिव आई टोल्ड यू दिस बॉय विल रन बट ये तुली का बाबा हमारा बात सुनता किधर डू वन थिंग लीव दिस मंकी तुम कोई और डांस पार्टनर सेलेक्ट करो मैन नो मिसेस ब्रिगांजा इट्स ऑलरेडी लेट एंट्रीज जा चुकी है शिव शिव टू बी सीरियस एटलीस्ट वो गौरी सोचो कितनी उम्मीदें लेकर आई है और तुम उसके साथ ऐसे कर रहे हो मैं तो उसको अभी अभी जानी हूँ पर तुम तो उसे पहले से जानते हो ना ट्रस्ट मी वो तुम पे बहुत भरोसा करती है और तुम हो कि उसी का भरोसा तोड़ रहे हो आगे से ऐसा दोबारा नहीं फोन था क्या हुआ रहेजा जी ने वो एक्चुअली उनको भी स्टूडियो वाली बात पता चल गई रिहर्सल हॉल वाली कल बुलाया है अर्जेंटली कोई सरप्राइज देनी है इस स्टुपिड को इवेंट से निकालने कोई बोलेगा और क्या मिसेस ब्रिगांजा सरप्राइज बोला है शौक नहीं बोला ऐसा क्या हो सकता है रहेजा जी कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हैं